अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि नम्स प्लस एमडी कैट क्लास को ज्वाइन कर चुके हुए हैं उनको वेलकम करता हूं। आज चूंकि आपकी ट्रायल क्लास है तो कुछ बच्चे जो हैं वो परमानेंट होंगे, कुछ बच्चे परमानेंट नहीं होंगे। तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेरी वेरी वार्म वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आपका हमारा जो साथ है वो देर तक रहेगा और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह इससे हम बड़े फ्रूटफुल जो हैं वो रिजल्ट्स अखज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हुए हैं या जो अभी सोच रहे हैं वो तमाम अपने अपने गोल्स में अपने अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएं। और मेरा ख्याल है जो यहाँ पर मेरा लेक्चर ज्वाइन कर चुके हैं इन सब का जो मेन गोल है वो डॉक्टर बनना ही है। एम आई राइट? सब ने जो है ना वो मेरा ख्याल है डॉक्टर बनने के लिए ही ये सेशन ज्वाइन किया हुआ है। इससे पहले हमारा एक बड़ा ही कामयाब सेशन रन हो चुका हुआ है जिसको 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसमें सीट्स फुल हो चुकी हुई हैं। अब आप लोगों का हमने सेशन स्टार्ट किया, उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और आप लोगों की भी जो है ना सीट्स फिल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप में से सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कितने बच्चे सिर्फ एमडी कैट के हैं, सिर्फ एमडी कैट के हैं, कितने बच्चे सिर्फ नम्स देना चाहते हैं और कितने बच्चे एमडी कैट और नम्स दोनों का टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जैसे मुझे कंफर्म होगा उसके मुताबिक मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने मेरे लेक्चर्स को किस तरह से लेके चलना है ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। मैं ओल्ड से यहां आया। अच्छा जी, क्या करने आया? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी बच्चों, किसने सिर्फ एमडी कैट का टेस्ट देना है, किसने नम्स का देना है और किसने दोनों का देना है? बोथ बोथ बोथ, एमडी कैट एमडी कैट, बोथ, दोनों देने हैं। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चलें अब मुझे आइडिया होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो दोनों टेस्ट देना चाहते हैं। आज चूंकि पहला दिन है, आज आप लोगों का मैं एक ट्रैक सेट कर रहा हूं ताकि वहां पे आप लोगों की जो ट्रेन है ना वो चलती रहे। जब तक ट्रेन को पता नहीं होगा मैंने किस ट्रैक पे चलना है तो प्रॉब्लम होगी ना। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैक बता रहा हूँ कि आपने किस ट्रैक पे चलना है। एक ही बच्चा है अभी तक जिसने कहा है कि मैंने नम्स देना है, बाकी कुछ स्टूडेंट्स एमडी कैट देना चाहते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स दोनों देना चाहते हैं। चलें, अच्छी बात है। आपके पास एमडी कैट का सिलेबस भी होगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लें, और नम्स का सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दोनों टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हमने दोनों की तैयारी साथ साथ करवा। दोनों सिलेबस जब आपके पास आ जाएंगे तो आप देखिएगा एमडी कैट के सिलेबस का जो मोस्टली टॉपिक्स का जो पोर्शन होगा वो एफएससी की बुक्स में से होगा। बायोलॉजी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, एफएससी की बुक्स में से होगा, पार्ट वन की बुक में से होगा और पार्ट टू की बुक्स में से होगा। नम्स का जो सिलेबस आपको मिलेगा जो कि नम्स की वेबसाइट पर भी अपलोड हुआ है, वो आपको जो सिलेबस मिलेगा उसके टॉपिक्स आपको ए लेवल्स में से मिलेंगे मोस्टली। कुछ ऐसे भी होंगे जो एफएससी में है और जो नहीं होंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, ए लेवल्स में से मिलेंगे। तो पहले तो आपको ये कन्फर्म कर लेना ज़रूरी है कि आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो किस बुक से तैयार करने हैं। एम डी कैट वाले खाली एफ एस सी भी तैयार कर लें, वेल एनफ है। नम्स वालों को बच्चों ए लेवल्स का सिलेबस पढ़ना पड़ता है क्योंकि नम्स के जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना सिलेबस के अंदर, जो नम्स के सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहाँ से हैं, ए लेवल। उनमें सीक्वेंस भी देखें तो वो बिल्कुल ए लेवल की बुक से मैच हो रहे होते हैं। अच्छा जी, आप क्या फरमा रहे हैं? आई एम फ्रॉम कराची, आई कैन नॉट अप्लाई फॉर एम डी कैट। यस, यू शुड अप्लाई फॉर नम्स। ठीक है, सिलेबस सेम 80% है, 20% सिलेबस का डिफरेंस है। जो नम्स का सिलेबस है उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। वही एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ए लेवल से मिलेंगे। सिलेबस सेम नहीं है ये समझ लें। सिलेबस सेम होता तो फिर हम नम्स क्यों लिखते हैं यहाँ पे एडिशनल। प्लस नम्स का मतलब क्या है,
क्या एक्स्ट्रा तैयारी करवाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो एफएससी के सिलेबस। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप में से वो बच्चा जिसने एफएससी की है उसने सेल सिग्नलिंग का टॉपिक पढ़ा है? सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि सेल सिग्नलिंग का टॉपिक पूरी एफएससी में कहीं पर भी नहीं है। ये टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा? ए लेवल से मिलेगा। इसी तरह एफएससी के अंदर आपको डिजीजेस प्रोसेसेस के साथ ही मिल जाएंगी, लेकिन ए लेवल्स में एक अलग से चैप्टर है इन्फेक्शियस डिजीज का, वो आपको ए लेवल्स की बुक से मिलेगा, वो नम्स के सिलेबस में भी शामिल है। सो बच्चों, सिलेबस एक जैसा नहीं है, ये बात नोट कर लें। इन दोनों का सिलेबस जो होगा 80% ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। वो जो 20% एक्स्ट्रा है ना बच्चों, जो कि नम्स के अंदर है, वो इंशाल्लाह से आपको ए लेवल्स की बुक से मिल जाएगा। सो जो बच्चे सिर्फ नम कैट देना चाहते हैं, नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कहीं से ए लेवल की बुक मंगवा लें। नहीं मंगवा सकते तो कम से कम डाउनलोड कर लें, आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप उसको एक बार रीड करें। कोई मुश्किल बुक नहीं है, आसान सी किताब है, आसान सी टर्मिनोलॉजी है। हाँ, टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है ए लेवल की बुक में, अच्छा लिखा हुआ टॉपिक, ठीक है। ये ए लेवल जैसे एफएससी का बोर्ड एग्जाम लेती है ना, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, इस तरह ए लेवल्स का जो इम्तिहान होता है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि बाहर की है वो लेती है। सो ये थोड़ा एडवांस है ए लेवल में, एडवांस लेवल। ये इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े बड़े जो फैमिलीज के बच्चे होते हैं ये वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लिंक मैं दे दूंगा, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने वहां से ए लेवल्स की बुक को डाउनलोड कर लेना है। सो अभी तक इंट्रोडक्शन में आपको मैंने एक चीज समझाई कि हमारे टॉपिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मोस्टली टॉपिक्स आर सेम, बस सम टॉपिक्स आर डिफरेंट। तो अगर आप उनको ए लेवल्स की बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। देखें, कुछ टीचर्स ये भी कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे क्या ज़रूरत है ए लेवल बुक पढ़ने की, लेकिन ज़रूरत है, जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ। एमसीक्यूज उसमें से आते हैं, ठीक है। सो आपको ज़रूरत है, आपने ए लेवल की बुक को कंसर करना है। लिंक मैं आपके साथ पोस्ट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, और अब आपने ये नहीं समझना कि ये टोटली सेम सिलेबस में है। कितना डिफरेंस है भाई, ज़रा कमेंट में मुझे पता चले आप सुन भी रहे हैं कि नहीं, कितने परसेंट सिलेबस का डिफरेंस है बताएं जी, जल्दी से, अभी मुझे पता चलेगा आप सुन भी रहे थे कि नहीं, जल्दी से बताएं। हाँ जी बच्चों, नॉलेज भी होना चाहिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। 20% का डिफरेंस है, वेरी गुड बच्चों, सिर्फ 20% का डिफरेंस है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एफएससी में नहीं लिखे हुए, वो ए लेवल की बुक में लिखे हुए हैं, तो वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। 50% कौन कह रहा है बेटे, सिर्फ 80% सेम है, तो 20% का सिर्फ जो है ना वो डिफरेंस है। अच्छा, सिंध बोर्ड के यहाँ पे तैयारी नहीं करवाई जा रही, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सो आपने लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना, सिंध बोर्ड की तैयारी हम नहीं करवा रहे, हम एमडी कैट की तैयारी करवा रहे हैं जो कि पंजाब के लिए होता है, और नम्स जो कि फेडरल की यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। ले जी, तुम्हारा आज का पहला टॉपिक होगा यूनिट नंबर 1 में से, जो कि एमडी कैट में भी यूनिट नंबर 1 है, दी सेल, और नम्स का भी जो यूनिट नंबर 1 है वो सेल्स के बारे में है, सेल्स की स्टडी का यूनिट नंबर 1 है। तो पहला टॉपिक आपका नम्स में होगा वाई सेल्स, भाई सेल्स क्यों होते हैं। सेल को अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्गेनेलीज, ये सारा कुछ है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है। ये क्यों है, सेल्स के बगैर क्या लाइफ पॉसिबल नहीं थी, ये सेल क्यों होते हैं बच्चों। तो याद रखें, सेल इम्पोर्टेंट है एक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, लाइफ सेल्स के बगैर नहीं है, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेंटेन करती है सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट से डिफर करती है।
अलग करती है। अगर सेल ना होते तो सारी चीजें ही एक दूसरे के अंदर मिक्स हुई होती, सो आप किसी चीज को प्रॉपरली डिफाइन ना कर पाते कि ये कौन सा सेल है, ये कौन सा टिश्यू है, ऑर्गन ना बन पाते, ऑर्गन सिस्टम ना बन पाते। सो सेल्स बने तो टिश्यू बने, टिश्यू बने तो ऑर्गन बने। अगर सेल ना होते और सेल मेम्ब्रेन ना होती तो जो चीजें हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, इनकी जो ट्रैफिक है ये मेंटेन ना हो पाती, सारी चीजें मिक्सअप हो जाती। तो सेल क्यों है? जी ये बलूचिस्तान के लिए भी नहीं है, सुन लें, ये सिर्फ पंजाब और फेडरल बोर्ड का जो नम्स है उसके लिए है, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए हम तैयारी नहीं करवा रहे हैं। हाँ खुद से आप करना चाहते हो तो कर लें, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो जाएगी। चलें, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो चीजें होती, देखें कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं आपको पता ना, और कुछ चीजें सेल के अंदर हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, सॉल्यूशन है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। सो इनको एक मेम्ब्रेन के जरिए अलग किया गया है, चीजें अंदर वाली अंदर ही रहें, बाहर वाली बाहर। जिनकी जरूरत होगी वो सेल के अंदर चली जाएंगी, जिनकी जरूरत नहीं होगी वो सेल से बाहर आ जाएंगी, या जिनकी बाहर जरूरत है वो बाहर आ जाएंगी। तो सेल के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और इसके अलावा टिश्यूज वगैरह भी सेल्स के बगैर नहीं बन सकते। सो लाइफ पॉसिबल नहीं थी विदाउट सेल। सो लाइफ को बनाने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए सेल का होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ करार देते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ करार देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ करार देते हैं। कश्मीर के लिए भी नहीं है ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने बीच 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 में जो है वो उनका जवाब दे दिया है। चलें, तो ये हमारा टॉपिक हो गया वाई सेल का। जी आवाज़ जो है वो वापस आ चुकी हुई है, थैंक यू सो मच हमारी मैनेजमेंट, आवाज़ की प्रॉब्लम को बिल्कुल जो है वो ठीक किया। लें जी मैं बता रहा था कि रेजोल्यूशन को क्लैरिटी भी कहते हैं, वो जो हमारी वीडियो आ रही होती है वो अगर बोल रहा था उसकी चीज़ें मिक्स हुई हुई, हम कहते हैं यार इसकी तो रेजोल्यूशन ही नहीं है, रिजॉल्विंग पावर ही नहीं है। मतलब क्या होता है एक्चुअली रेजोल्यूशन डिफरेंशिएट करती है बिटवीन टू पॉइंट्स। मसलन अगर आपके सामने ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनको आप दो देख सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत करीब होंगे ना, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, इनका फासला ना होने के बराबर होगा, तो ऐसे लगेगा जैसे ये दो नहीं ये एक है। फिर इसको क्लियर करने के लिए आप करीब जाके देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये दो है। तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये वाला फासला बीच में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इसी तरह जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके जो चेहरे या उनकी जो बॉडी होती है वो पॉइंट्स की बनी हुई होती है, वो जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को अलग करना रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहलाता है। तो अगर वो पॉइंट्स अलग नहीं हो रहे इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर कम है। ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है एमसीक्यू में आपने बतानी है, ये एमसीक्यू आएगा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ नेकेड आई जो कि ह्यूमन की होती है, नेकेड आई आम आंख की रिजॉल्विंग पावर कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 1 माइक्रोमीटर, बी ऑप्शन है आपके पास 1 नैनोमीटर, आपके पास सी ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, आपके पास डी ऑप्शन है 1 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करें और जल्दी से इसका जवाब बताएं। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से, सिर्फ आपको जो है वो रिवाइज करवाई जा रही हैं। हाँ जी बच्चों क्या आंसर है जी? वेरी गुड, आपके पास आंसर है ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर 1 मिलीमीटर है। मीन अगर दो पॉइंट्स के दरमियान 1 मिलीमीटर से ज़्यादा फासला है तो ह्यूमन आई उनको 2 बताएगी, अगर 1 मिलीमीटर से कम फासला है तो ह्यूमन आई उसको 2 नहीं बताएगी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, उनको एक ही शो कर देगी। अब हम इससे कम फासले को किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको हम फिर माइक्रोस्कोप के जरिए डिफरेंशिएट करेंगे। माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, हमने उनको समराइज कर देना है
समराइज मीन उसको हमने डिफरेंस की फॉर्म में याद करना है. कुछ फीचर्स होंगे दोनों के, उनको हम कंपेयर करेंगे. सबसे पहले फीचर हम यूज करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के. लाइट माइक्रोस्कोप पहली टाइप है, आप लोगों को बताया हुआ है. और दूसरी जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको यहां लिख देते हैं ताकि ये एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए. ले जी, फीचर्स कौन कौन से हैं जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं बच्चों. सबसे पहला फीचर, अगर आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है और आपने उससे इमेज को देखना है, तो आप इमेज को देखने के लिए जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करेंगे, यानी उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो आप रेडिएशन शुआइन डालेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपकी वो विजिबल लाइट होगी. विजिबल लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर मारेंगे, जिससे आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा. इल्यूमिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इल्यूमिनेशन मीन के ऑब्जेक्ट को आप किस से देखेंगे. तो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट के जरिए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर मारकर आप देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट कि पिक्चर किस तरह की मिलती है. जिस तरह एक्सरे नहीं होता, रेडिएशंस डालते हैं उसके ऊपर आपकी पिक्चर आ जाती है, इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन्स को मारेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर और पिक्चर लेंगे. मैग्नीफिकेशन अगर हम इनकी देखें कितनी कितनी है मैग्नीफिकेशन, लाइट माइक्रोस्कोप की 500 गुना ज्यादा होती है नेकेड आई से. 500 गुना ज्यादा होती है नेकेड आई से. तो ये लाजमी कंपेरिजन आपने करना है. नेकेड आई से 500 गुना ज्यादा है. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नेकेड आई से 250,000 टाइम्स एक्स मीन टाइम ज्यादा है इससे नेकेड आई से. इसका मतलब आपके पास एक एमसीक्यू बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आ भी चुका हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लाइट माइक्रोस्कोप से कितनी ज्यादा मैग्नीफिकेशन है. रिजोल्यूशन या मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कितने टाइम्स देन लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की कितनी ज्यादा है, तो ऑप्शन है 100x, बी है 500x, सी है 1000x और आपके पास डी यानी डेल्टा है 10,000x. इसको जल्दी से सॉल्व करें और इसका जवाब बताएं कि इलेक्ट्रॉन की लाइट से कितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन है. हाँ जी बच्चों, 500, वेरी गुड. लाइट की आई से आंख से 500 गुना और इलेक्ट्रॉन की इससे 500 गुना. तो 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 250,000 टाइम्स देन नेकेड आई आंसर आ जाएगा. देन कम्स रेजोल्यूशन, दोनों की रेजोल्यूशन कंपेयर करें. रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की होती है 2 माइक्रोमीटर. मीन वो जो दो पॉइंट्स थे उन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर फासला 2 माइक्रोमीटर से कम है तो उसको फिर लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता. 2 माइक्रोमीटर तक है तो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 2 से 4 एंगस्ट्रोम. एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10^-10. ये इसकी रेजोल्यूशन है. मीन इतना अगर फासला है दरमियान में दो पॉइंट्स के तो हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. रेजोल्यूशन के बाद आप इनमें डिफरेंस लिखेंगे लेंस का. लेंस जो लाइट माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं वो ग्लास के बने हुए होते हैं, ग्लास के लेंस बने हुए होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें जो लेंस यूज होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंस यूज होता है. ये आपने अच्छी तरह बता देना है. लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर सबने देखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल अब ये बच्चों वाली चीजें दोबारा आपको बताने की जरूरत है. लेकिन यहाँ पे कुछ MCQs आते हैं. अगर आपके पास याद हो आपको लाइट माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं, मेन दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस. एमसीक्यू अगर आपके पास हो कि अगर आपके पास आईपीस की वैल्यू जो है वो 10x है, सपोज कर लें
और ऑब्जेक्टिव लेंस की, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, 100x है, हाँ जी, बल्कि 100 नहीं 40 कर लें, 40x है, तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आएगा? ये पूरी एमसीक्यू की स्टेटमेंट मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख ली। आईपीस आपने 10x का यूज किया और ऑब्जेक्टिव लेंस आपने 40x का यूज किया, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, आपके सामने ही है। जब भी आप लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें तो आप आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आएगा 400x। यानी इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर चलेंगे तो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को 400 गुना बढ़ा के दिखाएगी। एक और एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, अगर आपके पास दिया गया हो साइज ऑफ इमेज आपको दिया गया 1000, ठीक है, साइज ऑफ इमेज आपके पास 1000 है, 1000 माइक्रोमीटर आपके पास साइज है इमेज का, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उसी इमेज जिस ऑब्जेक्ट की आपने वो इमेज ली है उस ऑब्जेक्ट का साइज आपके पास कितना है, सपोज करें 10 माइक्रोमीटर है। अब आप बताएं मैग्निफिकेशन कितनी होगी, ये आफ्टर मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट आपके पास रिजल्ट आ गया, 1000 माइक्रोमीटर आपकी इमेज है और जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में वो 10 माइक्रोमीटर का था, आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करें। ऐसी सूरत में मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला जो लगेगा दैट विल बी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन इमेज ओवर साइज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आप 1000 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो बताएं आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिख दें। यह दूसरा तरीका है मैग्निफिकेशन फाइंड करने का, अगर आपके पास साइज दिए गए हो, इमेज का साइज दिया गया हो और आपको ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज भी पता हो, तो आप m इज इक्वल टू i ओवर a के फॉर्मूले के जरिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। i क्या है, इमेज का साइज है जो आपने हासिल कर लिया, और a क्या है, दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब आपके पास आंसर क्या बना, वेरी गुड, 100 माइक्रोमीटर जो है 100x मैग्निफिकेशन हो गई है आपकी, माइक्रोमीटर नहीं 100x, आंसर क्या आया 100x, यानी मैग्निफिकेशन इस केस में 100 गुना हो चुकी हुई है। ये वो केस है जब मैग्निफिकेशन हो चुकी हुई है और आप ये चेक करना चाहते हैं कितनी हुई है, तो इसका यूनिट x होगा, कितने टाइम्स मैग्निफिकेशन हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला भी नोट कर लें आपके पास। लेंस हो गया, लेंस में आपको मैंने लाइट माइक्रोस्कोप बता दिया, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बता दिया, उसके बाद आपने बताना है वैक्यूम जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वैक्यूम चाहिए होता है। इमेज का डिफरेंस चेक करें तो लाइट माइक्रोस्कोप से इमेज आमतौर पर कलरफुल हमें नसीब होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज हमें मिलती है दैट इज ब्लैक एंड वाइट, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर देयर। सो इस टेबल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो 100 आपको आंसर जो निकाल के दिया है इसके साथ एक्स लगाएंगे टाइम्स, तो ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलेगी जी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और कलरफुल इमेज मिलेगी आपको लाइट माइक्रोस्कोप से। अब चूंकि ये जो आपके सामने वैल्यूज हैं 2 माइक्रोमीटर, अगर किसी सेल के ऑर्गेनेली का साइज 2 माइक्रोमीटर से बड़ा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, 2 माइक्रोमीटर से बड़ा है तो उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एमसीक्यू लिखता हूँ, यहाँ पे एमसीक्यू लिख देता हूँ, which of the following organelle can be seen with
लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से आप किसको देख सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है अल्फा राइबोसोम, बीटा ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम के अलावा कौन है, डीएनए, डीएनए, उसके बाद चार्ली ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियस, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। बच्चों बताओ इनमें से आप किसके किसको लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं? अच्छा, एमडी कैट और नम्स की जो क्लास होती है ना, इसमें रिपीट नहीं किया जा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए कोशिश करें आप पहले मिनट से ही फोकस के साथ जो है लेक्चर लें। एफएससी की क्लासों में हम रिपीट किया करते थे, तो कोशिश करें कि इसमें फोकस इतना ज़्यादा हो कि हमें रिपीट ना करना पड़े। हाँ जी, इनमें से किसको लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? तो पहले देखना पड़ेगा कि इसका डायमीटर कितना बड़ा है। तो याद रखें बच्चों, राइबोसोम्स का डायमीटर 20 नैनोमीटर होता है, तो 20 नैनोमीटर 2 माइक्रोमीटर से बहुत छोटा है, सो इसको नहीं देख सकते। डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है, डीएनए की जो मोटाई होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, ये भी इससे कम हो गई, सो नहीं देख सकते। न्यूक्लियस का डायमीटर 6 माइक्रोमीटर होता है, सो हम न्यूक्लियस को लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास लाइसोसोम है सो वो 2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया 1 माइक्रोमीटर के आसपास। तो आपने इस लिहाज से ये जवाब बताना होता है कि किस ऑर्गेनेली का जो डायमीटर है वो कितना है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर से बड़ा सिर्फ न्यूक्लियस ही है 6 माइक्रोमीटर, सो इसको हम देख सकते हैं। जब आपको सारे ऑर्गेनेलीज बताऊँगा तो आपको साथ साथ उनके साइज के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दूँगा। तो माइक्रोस्कोपी यहाँ पे ख़त्म हुई, बल्कि नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स, मेरा नहीं ख्याल आपको नहीं पता होंगी, मैं बगैर बताए आपसे पूछ लेता हूँ कि बताएं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स कौन सी हैं। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने पढ़ी होंगी और उनकी डेफिनेशन भी बड़ी आसान सी हैं, उनका फंक्शन, डेफिनेशन और फंक्शन, दो चीज़ें आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ जी बच्चों कौन सी हैं, याद है किसी को? वेरी गुड, 2 टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर सिर्फ सरफेस देखना हो ऑब्जेक्ट का, सरफेस देखना हो तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन टकरा कर वापस आ जाते हैं, स्कैनिंग करते हैं ऑब्जेक्ट के सरफेस की, स्ट्रक्चर के सरफेस की, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर तक घुस के स्टडी करनी है तो आपको रेडिएशंस या इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर घुसाने पड़ेंगे, रेडिएशन उसमें से गुजर कर ट्रांसमिट होंगी, तो अंदर डिटेल स्टडी या इंटरनल स्ट्रक्चर अगर स्टडी करना हो तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब आपके पास नम्स और एमडी कैट में कुछ टॉपिक्स हैं, एनिमल और प्लांट सेल में कंपैरिजन। तो बच्चों सबसे पहले हम वो चीजें देख लेते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर मुख्तलिफ है, फिर जो रह जाएंगी वो चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक जैसी होंगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एनिमल सेल और इधर हम लिखते हैं प्लांट सेल। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो दोनों में डिफर करती हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एनिमल सेल में होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी बच्चों जो प्लांट सेल में होंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखा जाए ये वाइट बोर्ड बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हिस्सा आ रहा है बीच में या नहीं आ रहा, ये चेक कर लें ताकि हमारा आगे ना जाए। ऊपर हम जो है ना इनकी इमेजेस भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो है आपको साथ साथ में बना के भी दिखाता जाऊं। इधर हम एक एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं और इधर जो है एक प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, साथ साथ ड्रॉ भी करते जाएंगे, साथ साथ देखते भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफर कर रही हैं, और फिर हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों के अंदर सेम है।
नहीं जी, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों को पता होगी, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो इजी है कोई और? हाँ, सेल वॉल की इम्पोर्टेंट अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है जिससे प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है, और भी कई इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह। उसके बाद सेल वॉल के बाद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ग्लायोक्सीसोम भी आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, प्लांट सेल के अंदर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह की, और एनिमल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाहरी होती है। प्लास्टिड्स वगैरह मैंने जो आपके सामने लिखे हैं वो इस किस्म के होंगे। ये देखिए, ये प्लास्टिड बनाया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। इस तरह ग्लायोक्सीसोम भी यहाँ पे मैं छोटे छोटे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ भाई, न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है आमतौर पर, एनिमल सेल के दरमियान में होता है, सेंट्रल होता है, और प्लांट सेल के साइड पर आ जाता है। साइड पर आने को हम पेरिफेरल का नाम देते हैं, पेरिफेरल। उसके अलावा वैक्यूल की वजह से यह साइड पर हुआ तो वैक्यूल का डिफरेंस देख लेते हैं। एनिमल सेल में स्मॉल और बहुत ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, स्मॉल और बहुत ज़्यादा। देखिए छोटे छोटे वैक्यूल बनाता जा रहा हूँ मैं, ये लें जी, ये बहुत ज़्यादा वैक्यूल हैं। प्लांट्स के अंदर लार्ज होता है और थोड़े होते हैं, ऑलमोस्ट वन होता है आम तौर पर। ये देखें, बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि दरमियान में होता है, और वो न्यूक्लियस को साइड पर धक्का मार देता है। उसके अलावा फ्लैजिला में डिफरेंस देखें तो फ्लैजिला आपको एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा। इस तरह सिलिया भी आपको जो है ना वो एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेंगे। सो इनको मैंने इकट्ठा ही मेंशन कर दिया। ऑर्गेनेलीज में से बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। देखें इस तरह के सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के पास ही पड़े होते हैं, देखें ये सेंट्रियोल है और ये एक और सेंट्रियोल है, दो पड़े होते हैं न्यूक्लियस के पास, वहाँ पे आपको किसी किस्म का सेंट्रियोल नज़र जो है वो नहीं आ रहा। उसके अलावा आपको लाइसोसोम का डिफरेंस बताएं तो लाइसोसोम्स भी एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी के साथ फैगोसाइटोसिस जो कि लाइसोसोम का ही फंक्शन होता है, वो भी एनिमल सेल में आपको मिलेगा, प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा। तो ये वो चीज़ें थी जो डिफर करती हैं एनिमल सेल से प्लांट सेल्स के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स ये चूंकि सेल्स में नहीं होती, पूरे ऑर्गेनिज्म में होती, लेकिन फिर भी सेल तो उसका ही है, नर्वस भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करती है, जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है, लेकिन ये याद रखें कि प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ठीक है। चलें जी, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स को मिलाकर कहते हैं। सर थोड़ा बड़ा लिखें, अगर बड़ा लिखेंगे तो फिर पूरा नहीं आएगा, ठीक है, आप उसको जूम करते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर ही आ जाता है। अब वो चीज़ें हैं जो कॉमन है, ये तो मैंने डिफरेंसेस बताए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका टॉपिक लिखा होगा कॉमन प्रॉपर्टीज या कॉमन फीचर्स। द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स हैव कॉमन फीचर्स, मसलन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी है और इधर भी है एंडोप्लाज्मिक। गॉल्जी अपरेटस दोनों में होगा, गॉल्जी अपरेटस प्लांट्स में भी होगा, एनिमल में भी होगा। न्यूक्लियस दोनों में है, लेकिन चूंकि लोकेशन का फर्क है इसलिए डिफरेंस में डाल दिया, लेकिन आमतौर पर न्यूक्लियस दोनों में होते हैं। राइबोसोम दोनों में होंगे,
इसके अलावा बाकी आमतौर पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, देखिए देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर भी आपको रॉड शेप माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एग्जिस्ट करते हैं और कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। सो इन दोनों सेल्स के कॉमन फीचर्स हैं। ये भी एनिमल सेल के लिए यूनिट और प्लांट सेल भी जो है वो अपने प्लांट के लिए यूनिट है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होगा। सो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स, को एंजाइम्स, सॉल्यूशन वगैरह वो भी दोनों के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो दो चीज़ें बच्चों आपको समझाई, वो प्रॉपर्टीज जो एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर डिफर करती हैं और वो चीज़ें जो एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर कॉमन है। सो दोनों चीज़ें आपको डिटेल से इंशाल्लाह आस्ते आस्ते समझाएंगे, हर एक फंक्शन जो है वो आपको समझाया जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? सेल्स के हवाले से कुछ चीज़ें याद रख लें एमसीक्यूज के तौर पर, कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, छोटे सेल्स कौन से हैं। तो सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है जी, ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल्स के अंदर आपको नर्व सेल्स मिलते हैं, नर्व सेल जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये आमतौर पर सबसे बड़े बड़े सेल्स, लंबाई के लिहाज से धागे नुमा होते हैं, सो ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल सेल्स में भी होती है। चलें जब आपका टेस्ट थोड़ा सा कंडक्ट करते हैं, जो मैंने आज का टॉपिक पढ़ाया है, आज के टॉपिक में से कुछ एमसीक्यूज आपके लिए हैं, सो वो आप सॉल्व कर लें और उसके बाद मैं उनको भी डिस्कस करके आज का टॉपिक एंड करता हूँ, के बाद आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं। यूट्यूब पे जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से देख लें, YouTube पे जो लेक्चर सुन रहे हैं वो ध्यान से नोट कर लें कि उनको टेस्ट शो नहीं होगा, टेस्ट सिर्फ और सिर्फ campus.pk पे जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको शो होगा, ठीक है जी। टेस्ट का टाइम 5 मिनट, ये 3 मिनट होना चाहिए था, ये किसी ने गलती से 5 मिनट लिख दिया है। लें बच्चों, ये टेस्ट शो हो चुका हुआ, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो नोट कर लें कि उनको जो है ये टेस्ट शो नहीं हुआ करेगा। टेस्ट सिर्फ और सिर्फ campus.pk वाले बच्चों को शो होता है, और जो campus.pk पे हैं जिनको टेस्ट शो नहीं हुआ वो अपने पेज को रिफ्रेश करें, वो जो गोल सा दायरा है उसको रिफ्रेश करें और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, इंशाल्लाह जो है वो आपका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें जिनको नहीं शो हुआ। हाँ जी बच्चों, ठीक है जी, तो स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, और जिनका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है वो इसको सॉल्व कर लें। कोई सवाल होगा तो मैं आपको इन एमसीक्यूज के ख़त्म होने के बाद जवाब दे दूंगा।